हाय गाइस, तो आज की वीडियो है एक शाम और नाइट टाइम रूटीन। एक्चुअली मैं शाम को ही लगभग 6-7 बजे खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, बट उससे पहले मैं क्या करती हूँ वो मैं आज आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले जनरली मैं अपनी एडिटिंग ख़त्म करती हूँ, अपलोडिंग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे शूट करना होता है तो शाम का टाइम मिलता है मुझे एडिट करने के लिए, क्योंकि रात में मेरे हस्बैंड एडिट करते हैं तो यहाँ पे एक ही लैपटॉप है, तो इसलिए मैंने एडिटिंग का टाइम यही रखा हुआ है। मैं आराम से अपनी एडिटिंग करती हूँ, जितना भी पार्ट्स होते हैं मुझे एडिट करने होते हैं और अपलोड करने होते हैं, और बस मेरी एडिटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसके बाद हम खाना बनाना शुरू करेंगे, और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। एक्चुअली आज मैंने सोचा है कि क्यों ना मूली के पराठे बनाए जाएँ, एंड मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे व्यूवर्स को बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी एक्साइटिंग चीज़ भी की जाए। तो मैंने ऑलरेडी मूली को ग्रेट करके रखा हुआ है, सिंपली मूली को छील के मैंने ग्रेट कर लिया है यहाँ पे, और उसके बाद मैं थोड़ी सी बस एडजस्टमेंट कर रही हूँ स्लैब पे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसका पूरा मिक्सचर बनाना। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और धनिया ले लिया है, ये हमारी कसी हुई मूली है। अब ये मूली में मैंने लगभग 1.5 चम्मच नमक डाल के अब से 1 घंटा पहले रख दिया था। थोड़ी देर इसको रख देते हैं, और अब प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया काट लेते हैं। तो मूली के पराठे में मुझे प्याज बहुत पसंद है, एक्चुअली आई लव अनियन इन आलू का पराठा ऑल्सो, बट मूली के पराठे में एक अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ बहुत सारे, बिकॉज मुझे लगता है कि हरी मिर्च खाना इज़ अ बेटर ऑप्शन देन रेड चिलीज। मुझे लाल मिर्च बहुत पसंद है, बट मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ प्रेगनेंसी की वजह से, तो मैं नॉर्मल हरी मिर्च खाती हूँ, ज़्यादा मिर्च खाती नहीं हूँ। तो हरा धनिया, हरी मिर्च और हमारी प्याज ऑलमोस्ट रेडी है, मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो प्लेट से ही काम चलाना पड़ रहा है। अब लोग बोलेंगे क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग मनाली में हैं 1 महीने के लिए, तो बहुत ही कम ऑप्शंस हैं मेरे पास। और अब मैं मूली को ऐसे निचोड़ रही हूँ हाथ से, ये मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, क्योंकि जब हम पराठे बनाएंगे और एक्स्ट्रा पानी होगा तो पराठे फटते हैं। तो इसलिए नमक डाल के मैंने रखा था पहले, और इसको अच्छे से निचोड़ लेना है आपको बहुत टाइट हाथों से, जितना ही मॉइस्चर है वो निकल जाए और हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो अच्छा बने, थोड़ा सा ड्राई बने, तो पराठे बनाने में आसानी होगी। अब मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और आप पैकेट देखोगे लाल मिर्च और धनिए के, और धनिया भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग, मैंने जैसे बताया, मनाली में है तो यहाँ पे घर का पिसा हुआ तो है नहीं, और नमक भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ, मैं घर से लेके आई थी, ये घर का पिसा हुआ है। अब मैं यहाँ पे जनरली अजवाइन भी डालती हूँ, बट अजवाइन है नहीं तो मैंने सौंफ डाल दिया, बिकॉज आई रियली लाइक सौंफ इन पराठास, क्योंकि काफ़ी अच्छे होते हैं, डाइजेस्टिव हो जाता है पराठा बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अपने हाथ से, क्योंकि यहाँ पे बर्तनों की कमी है तो प्लेट में ही मुझे आधे से ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, इवन आटा भी मुझे बड़ी प्लेट में मारना पड़ता है। तो ये हमारी जो मिक्सचर है एकदम रेडी हो चुका है। बस अब थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको दिखाना चाहती थी क्लीनिंग करते हुए, कि यहाँ पे जो बैग्स आते हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं, यहाँ पे आपको पॉलीथीन बैग्स नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे पूरे इंडिया में ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, बट मनाली में आपको कहीं पर भी पॉलीथीन नहीं मिलेगी। और ये जो अजीब सी चीज़ आप देख रहे हो ना प्लेट में रखी हुई, एक्चुअली ये मैंने गुड़ से बनाई है, गुड़ के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल के, तो इट्स लाइक व्हाट यू कॉल इट, आई थिंक थोड़ा सा गजक जैसा कुछ बन जाता है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास पीनट्स नहीं थे तो मैंने यहाँ पे बादाम और काजू डाले हैं, क्योंकि मुझे सर्दियों में थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था तो मैंने ये बना लिया है, हेल्दी वर्जन है थोड़ा सा, आप चाहें तो बना सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ, उसमें चाट मसाला और नमक डाला है मैंने, और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालनी है, और इसके बाद हम जल्दी से अपने पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मेरे हस्बैंड को दही से पराठे खाने पसंद हैं, तो इसलिए उनकी दही मुझे थोड़ी सी प्रिपेयर करनी पड़ती है, वो प्लेन दही भी नहीं खाते। तो अब जल्दी जल्दी मैंने सारा सामान यहाँ पे सेटल कर लिया है, तवा रख दिया है गैस पे, उसके अलावा घी भी रख लिया है, एंड ये हमारा पूरा सेटअप है, बेलन, सूखा आटा, हमारा मिक्सचर और आटा। ओके, तो अब एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ पराठे बनाने के लिए, जब भी आप आटा मान रहे हैं तो थोड़ा पतला माने। मैंने धीरे धीरे बना बना के यही सीखा है कि पराठे का आटा थोड़ा पतला होना चाहिए आपकी रोटी से, तो मैं इसे अच्छे से यहाँ पर रोल कर रही हूँ बेलन से, तो जो साइड्स हैं उनको मैंने पतला रखा हुआ है और सेंटर से नॉर्मल रखा हुआ है, क्योंकि साइड्स पतली इसलिए रखी हैं जिससे सेंटर में थोड़ा सा आटा रहे। अब मैं इसे मिक्सचर डाल रही हूँ गाइज, और अच्छे से प्रेस करके अब साइड से इसको ऐसे बंद कर रही हूँ।
मैं बहुत सिंपल प्रोसेस फॉलो करती हूँ पराठा बनाने के लिए। तो कुछ ऐसा जितना ऊपर ये एक्स्ट्रा आटा आप देख रहे हैं ना, इसे हाथ से ऐसे रोल करके ना मैं अब इसको निकाल दूंगी। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेस आटा पसंद नहीं है, बिकॉज मैंने कुछ पराठे खाए जिनमें आटा बहुत होता है, दैट आई डोंट लाइक। तो स्टफिंग ज़्यादा होनी चाहिए और आटे की लेयर कम, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आटा ऊपर से निकाल दिया। फिर हाथ से हम इसे ऐसे घुमाएंगे जिससे कि इवनली वो स्प्रेड हो जाए और आटा इवन एक लेयर बना ले। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सूखे आटे में लगा के फिर से रोल करूँगी। तो हल्के हाथ से हमें रोल करना है और रोलिंग से पहले मैं हाथ से इसको प्रेस कर लेती हूँ हल्का हल्का, जिससे सब कुछ इवनली स्प्रेड हो जाए और फटे नहीं पराठा। तो ये चीज़ आप याद रखें कि ऐसे हाथ से स्प्रेड कर लें तो आपका जो मिक्सचर है वो अंदर चिपक जाएगा। स्पेशली मूली का पराठा बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि मॉइस्चर होता है, तो बस हल्के हाथ से बेलना है आपको और पराठा इज रेडी। और ये गया हमारा पराठा तवे पे। तो एक और टिप है गाइज, यहाँ पे मैं जब भी पराठा बनाती हूँ मैं हैवी तवा जो है वो यूज़ करती हूँ, बिकॉज पराठे थोड़े करारे अच्छे लगते हैं और हल्के तवे पे वो जल जाते हैं, तो इसलिए मुझे हैवी बेस वाला तवा पसंद है पराठों के लिए, काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं नॉर्मली घी लगा के पराठा सेक रही हूँ यहाँ पे। पहले हम नॉर्मली सेकते हैं उसके बाद हम घी लगाते हैं दोनों साइड में। तो कुछ इस तरीके से आई हैव मेड द पराठा और ये हमारा पराठा इज़ ऑलमोस्ट रेडी। आई लव इट, थोड़ा रेड जो जाता है वैसा वाला। और ये हमारी दही आ गई है साथ में पराठा। तो अब ये बस ये पूरा प्रोसेस मैं यही फॉलो करने वाली हूँ सारे पराठाज में, तो इट्स वेरी इजी टू डू, तो इसमें कुछ हाई फाई नहीं था। अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वे में आप आलू का, गोभी का, पनीर का कोई भी पराठा बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू मेक और एक्सेस आटा भी नहीं होगा आपके पराठे में और स्टफिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने सबको डिनर दे भी दिया था और मैंने खुद भी कर लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ अपने पैरों पे। बस मैं रात में सिंपल सा स्किन केयर फॉलो करती हूँ, मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ निविया का 24 आवर्स, क्योंकि सर्दी है यहाँ पे तो मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है पैरों पे और हाथों पे। और उसके बाद मैं बायो ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपने टमी और थोड़ा सा बैक एरिया पे, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स का इशू आप जानते हो प्रेगनेंसी में होता ही है। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। बट उसके बाद मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। जो ऑयलिंग वाला जो रूटीन है ना मेरा, ये हर ऑल्टरनेट डे पे होता है, जैसे मैंने आज करी तो कल नहीं होगा परसों होगा, बिकॉज डैंड्रफ बहुत जल्दी होता है सर्दियों में। दूसरा, आपको ऑयलिंग इसी टाइप से करनी चाहिए, उससे आपके बाल हेल्दी रहते हैं। आप कोई भी शैम्पू यूज़ करो डजंट मैटर, बट ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे एक ही चीज़ यूज़ कर रही हूँ, एक हीटिंग पैड है जो कि बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, अभी मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, ये मैं यूज कर रही हूँ काफी टाइम से एंड दिस इज अ जेल पैक। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये जेल पैक ने मुझे काफी हेल्प किया है, स्पेशली अगर आपको पीरियड पेन होता है तो क्रैम्प में आप इसे यूज कर सकते हो। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी से जल्दी से चार्ज हो जाता है, हार्डली आपको 6 to 7 मिनट्स लगते हैं इसको चार्ज करने में। आप जितना चाहो उतना गर्म इसको कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा गर्म चाहिए तो आप इसे लगभग 10 मिनट्स लगा दीजिए। तो पीरियड्स में इसने मुझे काफी हेल्प किया है और प्रेगनेंसी में जैसे मुझे कभी कभी बैक में पेन होता है तो उसमें मुझे काफी हेल्प कर रहा है। ये मैंने Amazon से लिया था, तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी गाइस, इफ यू वांट टू चेक आउट, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत हेल्पफुल लगी। पहले मैं वो डकमेंट वाला यूज कर रही थी जो रबर वाला आता है, उसमें पानी, गर्म पानी भर के हम लोग सिकाई करते हैं, बट जब से मैंने ये यूज किया है आई फील सो गुड। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, तो उसने तो आई थिंक ऑफलाइन लिया था बट मुझे ऑनलाइन मिल गया था, तो मैंने वहां से लिया है। और अभी तो Amazon की सेल आ रही है, विच इज ग्रेट इंडियन Amazon सेल, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। आई थिंक इसमें एक छोटा वेरिएंट भी अवेलेबल है, तो मुझे उसका लिंक मिलता है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और जो गाइज, मैं आपको नीचे एक लिंक दे रही हूँ विच इज ऑफ टॉप कैश। टॉप कैश आपको बहुत सारा कैशबैक देती है ऑन योर शॉपिंग। अगर आप जेल पैक नीचे दिए गए लिंक से खरीदोगे गाइज, तो आपको 200 रुपीज कैशबैक मिलेगा ऑन योर मिनिमम ऑर्डर ऑफ 200 रुपीज। तो मिनिमम आपको 200 रुपए की शॉपिंग करनी है तो आपको 200 रुपए कैशबैक मिल जाएगा ऑन टॉप कैश। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट बनाना टॉप कैश पे, वहां से आप Amazon की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद ऐड टू कार्ट करेंगे और फिर प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपको ₹200 कैशबैक मिलेगा, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी डील्स चल रही है। उसके साथ साथ टॉप कैश जो है आपको हाईएस्ट कैशबैक दे रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वेबसाइट जो कि आपको ₹200 का कैशबैक दे रही हो, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। सो गाइस, टॉप कैश यूज करके आप और भी पैसे कमा सकते हो। अगर आप अपने फ्रेंड को रिफर करते हो तो भी आपको कैशबैक मिलता है। कितने भी कम आपका कैशबैक हो, आप डायरेक्टली उसे आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर एज एन Amazon पे भी यूज कर सकते हो, या फिर पेटीएम में भी ट्रांसफर कर सकते हो। स्विगी, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जिनसे आप शॉपिंग कर सकते हो थ्रू टॉप कैश और खूब सारा कैशबैक कमा सकते हो। और बस अब जो मेरा थोड़ा बहुत रूटीन रह गया है वो थोड़ी सी दवाई लेना है, आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, और अब मैं थोड़ा सा फ़ोन में अपने चेक करके आपकी पोस्ट और कमेंट्स वगैरह, उसके बाद मैंने अपने बेबी के लिए एक डायरी बनाई है और मैं इस डायरी में सब कुछ लिखती हूँ जो भी मेरे साथ होता है। तो माउंटेन्स में जितने भी एडवेंचर हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, मैं सब बेबी के लिए लिखती हूँ इसमें। उसको बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं, ताकि वो कल उसको पढ़े तो उसे अच्छा लगे। और बस सोने से पहले थोड़ी सी नेक की स्ट्रेचिंग, और बस यही होता है मेरा नाइट टाइम रूटीन। तो गाइस, ये था मेरा इजी सा सिंपल सा प्रेगनेंसी
रूटीन जो नाइट टाइम रूटीन होता है बहुत इजी स्टेप्स में फॉलो करती हूँ. और सिंपली अभी तो मैं बायो ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ ऑन माई फेस क्योंकि सर्दी है यहाँ पे मनाली में, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ ऑन माई फेस एज वेल एज ऑन माई टमी. तो आई थिंक कि अच्छे रिजल्ट आए हैं बायो ऑयल से. उसके अलावा कोई सजेशन हो तो मुझे प्लीज़ बताना कॉमेंट्स में. और आपको मेरे मूली के पराठे की रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे बता के जाना. इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर अगर हम और टेस्टी वर्जन बना सकते हैं तो वो भी बता देना. बस ये था आज का वीडियो. लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो. बाय.